औरंगाबाद में होने वाली है उसको अनुमति तो मिल गई है, लेकिन पुलिस ने 16 शर्तों के साथ अनुमति दी है, जिसमें पुलिस ने सबसे बड़ी बात कही है कि भड़काऊ भाषण देने पर रोक होगी, कोई भी सभा में भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता। तो राज ठाकरे की औरंगाबाद सभा को अनुमति मिल गई है, पुलिस ने राज ठाकरे की सभा को अनुमति दे दी है। आज मुंबई से औरंगाबाद रवाना होंगे राज ठाकरे, इस बीच वो पुणे में ठहरेंगे। सभा के लिए 3000 पुलिस का बंदोबस्त होगा, जिसमें कई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो राज ठाकरे की सभा को अनुमति मिल गई है, काफी दिनों से ये चर्चा थी कि उनकी सभा को अनुमति नहीं मिलेगी, जिसको लेकर मनसे का डेलीगेशन सभा स्थल पर भी पहुंचा था। बाला नंदगांवकर के नेतृत्व में मनसे का डेलीगेशन सभा स्थल पर पहुंचा था। इसके अलावा पुलिस की भी टीम ने सभा स्थल का निरीक्षण किया था, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कल राज ठाकरे की सभा को अनुमति मिल गई है, लेकिन कई शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। इसके अलावा मनसे के नेता और खुद राज ठाकरे भड़काऊ बयान ना दे, भड़काऊ भाषण ना करे, इस पर पुलिस ने यह भी एक शर्त लगाई है। तो हम आपको पूरी 16 शर्तों के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे, डिटेल में जानकारी देंगे क्या 16 शर्तें लगाई है पुलिस ने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज ठाकरे की सभा को अनुमति तो मिल गई है, लेकिन 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे की सभा को अनुमति मिली है। मनसे के बड़े नेता औरंगाबाद पहुंच चुके हैं, बाला नंदगांवकर, नितिन सरदेसाई जैसे बड़े बड़े नेता इस समय मनसे के औरंगाबाद में मौजूद है। सभा को अनुमति मिलने के बाद मनसे कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, सभा के लिए जोरदार तैयारी शुरू हो रही है। अब हम आपको बता दें वो 16 शर्त जो पुलिस ने मनसे को सभा से पहले अनुमति देने से पहले जो 16 शर्त लगाई है, उन 16 शर्तों के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। सभा 4:30 से 9:30 के दरमियान आयोजित करें, तो सबसे पहली शर्त यह है सभा में शामिल होने वाले अनुशासन का पालन करें, दंगा ना भड़काए। तो दूसरी शर्त यह है सभा में 15,000 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी, सभा में तलवार हथियार की भी अनुमति नहीं होगी। तो साफ पुलिस ने साफ कर दिया है कि सभा में कोई तलवार नहीं लहरा सकता। थाने में राज ठाकरे को गिफ्ट में तलवार दी गई थी, जब उनका स्वागत किया गया था तब राज ठाकरे ने तलवार लहराई थी, जिसको लेकर उन पर केस भी दर्ज हुआ था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, हम आपको 16 शर्तों के बारे में बता रहे हैं। राज ठाकरे की सभा को जो अनुमति मिल गई है उस डिटेल में जानकारी दे ले, 16 शर्त क्या लगाई गई है। तो सबसे पहली शर्त है सभा 4:30 से 9:30 के दरमियान आयोजित करें, सभा में शामिल होने वाले लोग अनुशासन का पालन करें, दंगा ना भड़काए, सभा में 15,000 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी, सभा में हथियार तलवार लाने की अनुमति नहीं होगी, पुलिस के दिए गए रास्तों से सफर करें, जात धर्म प्रदेश पर भड़काऊ भाषण की अनुमति नहीं होगी, धक्का मुक्की और भगदड़ मची तो आयोजक इसके लिए जिम्मेदार होंगे, सभी शर्तों की जानकारी आयोजकों के पास होना अनिवार्य है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आवास की मर्यादा का पालन करना होगा, शहर में एम्बुलेंस और मेडिकल सेवा को परेशानी ना हो, ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है, महिला पुरुष के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जांच करनी होगी, सभा में बांटे गए मिठाई खाने की सामानों की पहले जांच करिए, नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों पर कार्रवाई होगी। तो ये वो शर्तें हैं जो औरंगाबाद पुलिस ने, कानून प्रशासन ने राज ठाकरे को सभा से पहले जो 16 शर्तें हैं, ये वो शर्तें हैं जो लगाई गई है। तो 16 शर्तों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो राज ठाकरे की सभा से पहले औरंगाबाद पुलिस ने 16 शर्तें लगाई है राज ठाकरे को। हालांकि सभा की अनुमति मिल गई है, लेकिन इस सभा में किसी को भी भड़काऊ भाषण देने की अनुमति नहीं है, ना ही हथियार दिखाने की, ना ही हथियार ले जाने की, और 15,000 से ज्यादा भीड़ भी सभा में नहीं ला सकते। मनसे की तरफ से दावा किया गया था 1,00,000 लोग राज ठाकरे की ऐतिहासिक औरंगाबाद सभा में शामिल होंगे, लेकिन मनसे की तरफ से एक मनसे के कार्यकर्ता जोरों शोरों से तैयारी कर रहे, 1,00,000 से ज्यादा झंडे फहराए जाएंगे पूरा औरंगाबाद शहर और सभा स्थल के इर्द गिर्द, और निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र भी मनसे की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस आमंत्रण पत्र को मनसे के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर बांट रहे हैं। तो देखते हैं मनसे की सभा में कितना लोग आते हैं और कितने शर्तों का पालन होता है, मनसे क्या शर्तों का पालन करेगी,
या उल्लंघन होगा इन शर्तों का, ये तो 1 तारीख को पता ही चल जाएगा। लेकिन राज ठाकरे औरंगाबाद की सभा के लिए रवाना हो चुके हैं, मुंबई से राज ठाकरे रवाना हो चुके हैं, उनके बेटे अमित ठाकरे भी इस सभा के लिए औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ औरंगाबाद सभा के लिए अनुमति दे दी गई है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।